मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिमालय हेयर ऑयल। एक्चुअली हिमालय एंटी हेयर फॉल हेयर ऑयल का रिव्यू। ये जो हिमालय का हेयर ऑयल है, ये मैं बहुत टाइम से परचेस करना चाह रही थी। गाइस, ये बहुत अफोर्डेबल है, पर पता नहीं क्यों मैं परचेस नहीं कर रही थी। तो अभी मैंने रिसेंटली क्या मतलब काफ़ी टाइम पहले मैंने हॉल शेयर किया था, उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने इसे परचेस किया है। और ये हिमालय है, तो वैसे भी हम सबको मतलब कोई ऐसी बिग इशू नहीं होती है, ट्रस्ट इशू नहीं होता है, हमें लगता है कि हाँ ये वर्क करेगा। और इसकी प्राइसिंग भी क्वाइट अफोर्डेबल है। ये 93 रुपीज़ का है 100 ml ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें लिखा था एंटी हेयर फॉल, और मेरे यहाँ हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो इसे ट्राई करते हैं। वैसे भी हम सबको हेयर फॉल की प्रॉब्लम अक्सर होती ही रहती है, बट क्योंकि मैं गोवा में रहती हूँ, वहाँ का पानी जो है वो बहुत बेकार है। बहुत ज़्यादा आयरन होता है वहाँ के पानी में, और वो सीवेज का पानी कोई फिल्टर करके वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हेयर कितना फ्रिजी, ड्राई और हेयर फॉल होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने ये एंटी हेयर फॉल का हेयर ऑयल परचेस किया। ये जो मैंने परचेस किया, ये 100 ml का है बॉटल, और इसकी प्राइस है 93 रुपीज़। और इसमें आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है 3 साल की। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे मेंशन है, इनके इंग्रेडिएंट्स की और हाउ टू यूज़ एंड हाउ इट वर्क्स की बात करूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी के क्लेम्स की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है एंटी हेयर फॉल, प्रिवेंट हेयर फॉल एंड स्टिमुलेट्स हेयर ग्रोथ। तो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और साथ ही साथ आपके हेयर फॉल को रोकता है, प्रिवेंट करता है। इसमें ब्रिंगराज है और आंवला है। तो ब्रिंगराज, जिनको नहीं पता ना, ब्रिंगराज जो होता है वो मोस्टली हेयर फॉल के लिए ही यूज किया जाता है, और हमारे हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, हमारे हेयर की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। और इसमें लिखा है एंड प्रोटीन दैट नरिश द हेयर रूट। तो इसमें प्रोटीन है, आप सबको पता है प्रोटीन हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम एग वाइट भी अप्लाई करते हैं अपने हेयर पे, सो दैट एग वाइट में बहुत ज़्यादा ही हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, जिससे हमारा हेयर जो है वो शाइनी सिल्की बनता है, और हमारा जो हेयर लाइक रूट्स है वो उसको प्रोटीन मिलता है, सो दैट वो टाइट अप हो जाता है और हेयर फॉल नहीं होता, और हमारा हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करता है। ये जो हेयर ऑयल है, इसकी सबसे अच्छी मुझे बात क्या लगी, ये नॉन स्टिकी फॉर्मूला है। अगर मैं आपको दिखाऊं बॉटल, तो आप देखिए ये नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, बिल्कुल मतलब थिक ऑयल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा थिन है और नॉन स्टिकी है, आपके हेयर को चिपचिपा नहीं बनाएगा। आप इसे यूज़ कर सकते हैं डे टाइम में। How it works, which is very important thing over here. Nourish the hair root, provide reduce problems like hair fall and split ends, moisturize the scalp and hair, prevent dryness and hair damage. और direction की बात है यहाँ पे, तो how it works का claim के ऊपर तो मैं अभी आती हूँ, लेकिन पहले मैं direction की बात करती हूँ how to use. जो लिखा हुआ नॉर्मली मसाज करना है आपको अपने स्कैल्प में जेंटली, और उसे लीव ओवरनाइट छोड़ देना है। अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी यूज़ कीजिए। तो मैंने हिमालय का कोई ऐसा शैम्पू तो परचेज नहीं किया, तो मैंने ये वाला जो है हेयर ऑयल मैंने अप्लाई किया था। मैंने इसका एक पूरा बॉटल यूज़ कर लिया था, रिव्यू के लिए मैंने दूसरा परचेज किया है। इस हेयर ऑयल की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, ये इतना लाइट वेट है, तो अगर आपका मेरी तरह ऑयली हेयर है तो ये आपके हेयर को मॉइस्चराइज तो करेगा, साथ ही साथ ये हेयर को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनाता है। दिस इज द ओनली बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस हिमालय। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ट्वाइस इन अ वीक मैंने इस हेयर ऑयल को यूज़ किया है फॉर 1 month, और हाफ हो चुका था वो बॉटल, बट मुझे इसका रीपर्चेस करना था, तो मैंने बोला चलो रिव्यू में न्यू बॉटल में शो कर दूँ। एप्लीकेशन में मैंने इसे अपने रूट्स में अप्लाई किया, एंड देन मैंने थोड़ा सा अपने लेंथ में भी अप्लाई किया है, बिकॉज ये क्लेम करता है कि स्प्लिट एंड्स को भी डील करता है। तो मैंने इसे अपने हेयर में अप्लाई किया है, और ओवरनाइट मैंने छोड़ दिया, नेक्स्ट डे मैंने हेयर वॉश किया। तो मुझे इसका फर्स्ट डे जब मैंने अप्लाई किया, तब मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जब 2 हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, क्योंकि मैं इसे ट्वाइस इन अ वीक यूज़ करती थी और मैंने इसे फॉर अ मंथ यूज़ किया। आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगे, सेकंड टाइम इसे यूज़ करेंगे, इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप 3 से 4 बार इसे यूज़ कर लेंगे और जब आगे भी यूज़ करेंगे, तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये धीरे धीरे आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा, लेकिन 100% रिड्यूस नहीं करता, 60-70% रिड्यूस कर देता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये
क्विक रिव्यू पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।